तो दोस्तों फाइनली कई सारी डिवाइसेस को सितंबर का अपडेट यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और एंड ऐसे में फ्यूचर में जो जो डिवाइस एप्लीकेबल होंगी उनको भी मिलेगा डेफिनेटली। बट कभी कभी होता है ना कि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में भी हमारे डिवाइस में आ जाते हैं जो कि यहाँ पे अपडेट के बाद आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब बैटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए या फिर हैंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि ऐसे ही इश्यूज जो है हमको यहाँ पे कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो है ऐसे बग्स वगैरह जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अगर आपके पास रियलमी का डिवाइस है और आपको यहां पे न्यू अपडेट जो है रोल आउट कर दिया गया है सितंबर का, तो ऐसे में जो यहां पे प्रॉब्लम है, चाहे बैटरी ड्रेन को लेकर हो, चाहे हैंगिंग इशू को लेकर हो, या फिर यहां पे बग्स वगैरह प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हीटिंग वगैरह की भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं यहां पे कुछ टॉपिक्स जो है डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पे बैटरी ड्रेन से रिलेटेड मिलने वाली है। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, सबसे पहले उसको आप जरूर से जो है जाके फॉलो कर लीजिएगा और सारे यहाँ पे जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो करने के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कभी कभी भाई बैटरी ड्रेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जब भी आप कोई बीटा वर्जन यूज कर रहे होते हैं या फिर कोई स्टेबल वर्जन भी अगर आप यूज करते हैं, तो स्टेबल वर्जन में बहुत कम चांस होते हैं यहाँ पे बैटरी ड्रेन के। बट ऐसे सिचुएशन जैसे कि कह सकते हैं अगर आप बीटा वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, कई सारी एप्स होती है जो कि यहाँ पे ओपन रहती है, ठीक है। अभी देख सकते हैं आपको दिखेगा नहीं, बट कई सारी एप्स इस जो है बैटरी को कंज्यूम कर रही है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद होता क्या है कि कई सारे बग्स भी आ जाते हैं, कभी कभी सुटेबल नहीं होता हमारा डिवाइस, बट फिर भी बग्स आ जाते हैं जिससे कि हमको यहाँ पे बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैटरी ड्रेन के ऊपर डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे बग्स वगैरह के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बाकी जो है और भी कुछ जो सिचुएशन प्रॉब्लम है, चाहे हीटिंग को लेकर हो, ठीक है, चाहे हैंगिंग को लेकर हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से मिलने वाली है, ठीक है। एक्चुअली में ये अपडेट के बाद जरूर से आपको कुछ ऐसी मे बी प्रॉब्लम आ सकती है। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटरी इशू को लेकर। तो अगर आपको बैटरी का इशू देखने को मिल रहा है बहुत ही ज्यादा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने डिवाइस को यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, कोई भी आप लेटेस्ट वर्जन अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट जरूर से कर लेना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद रीस्टार्ट कर लेना है और जैसे ही आपका रीस्टार्ट हो जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप्स में जाना है। ऐप्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, एप्स मैनेजमेंट में जाके थ्री डॉट पर टैप करके सो सिस्टम पर टैप करके आपको बैटरी पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको एक बार यहाँ से जो है फोर्स स्टॉप कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और इसको एक बार क्लीन कर लेना है इस तरीके से, डेटा को क्लियर कर लेना है। अब यहाँ बैक आना है और आपको करना क्या होगा, कई सारी सेटिंग्स इसमें क्या होता है कि इनेबल नहीं होती, तो आपको उन सेटिंग्स को यूज कर लेना है जिससे आपको एक अच्छा रिस्पांस मिले, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये चेकआउट करना है आपकी कई कौन कौन सी ऐप, देखिए कौन कौन सी ऐप जो यहाँ पे रन कर रही है। अब देखिए जैसे मैंने फोर्स स्टॉप करा ना, सारी ऐप एक साथ बंद हो गए भाई, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, अपडेट के बाद ऑटोमेटिक एप्लीकेशन जो है रन करती है, कई सारी एप्लीकेशन जो है रन करती है, बट अभी मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको फोर्स स्टॉप किया, सारी एप्लीकेशन एक बार में जो है गायब हो गई, ठीक है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भाई जो हमारी बैटरी का कंजप्शन है जो बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। और आप बैटरी में कई सारे फीचर्स मिलते हैं अपडेट के बाद, आप जरूर से इनको यूज कर लीजिएगा, जैसे पावर सेविंग मोड वगैरह यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और आप इसमें आते हैं एडवांस सेटिंग में, तो एडवांस सेटिंग में भी कुछ सेटिंग मिलती है, जैसे परफॉर्मेंस मोड में आपको स्मार्ट वगैरह पे जो टैप कर देना है, ठीक है। और ये जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि बैटरी अगर ड्रेन होती है तो आपको यहाँ पे इन चीजों में काफी ज्यादा सुटेबल मिलता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, पहली चीज। और यहाँ पे अगर हम बात करें बैटरी ड्रेन में, देखिए क्या होता है, एक्चुअली में कई सारी एप्स जो है रन करती है, ठीक है, तो आपको वो एप्स रखनी ही नहीं है जो आपके यूज में ना हो, ठीक है। आपको देखिए मेरे पास कई सारी एप्स है, ठीक है, अब इन सभी एप्स में मैं उन्हीं एप्स को रखूंगा जो मुझे ज्यादा, मतलब कह सकते ना, कंफर्टेबली मैं उन एप्स को यूज भी करूंगा और वो मेरे लिए रेगुलर बेसिस पे वो एप्लीकेशन अगर मेरे लिए है तो मैं डेफिनेटली उसको यूज कर सकता हूँ। बट इनकेस अगर आपके कोई भी एप्लीकेशन काम का नहीं है तो भाई उसको आप बेवजह मत रखिए, क्योंकि बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ऐप
चलता रहता है अगर आप कभी ओपन करते हो उसको, तो बैकग्राउंड में चलने के साथ साथ आपकी बैटरी पे वो डेफिनेटली फर्क डालता है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में होता क्या कि कभी कभी हैंग का भी प्रॉब्लम इसी में आ जाता है। अब हैंग का प्रॉब्लम आता कैसे, देखिए एक्चुअली में होता क्या कि आपकी कई सारी ऐप्स इंस्टॉल होती है और कई सारी ऐप में ना आप बीटा वर्जन भी कभी कभी इंस्टॉल कर लेते हैं, वो चीज जो है पता नहीं चल पाता कि हाँ भाई स्टेबल वर्जन है या बीटा वर्जन है, और आपने उसको बीटा वर्जन यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लिया है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब आप जिस ऐप में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो आपको उस ऐप को जो है लॉन्ग प्रेस कर लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऐप है तो इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ पे आपको इसको डेटा क्लियर करना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब भी आप डेटा क्लियर करेंगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन से डेटा हट जाएगा, तो मे भी आपको ध्यान से जो है डेटा को क्लियर करना है। अगर आपने कोई भी डेटा शेव किया है किसी भी ऐप में तो उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, देन उसके बाद ही आपको ये काम करना है। ठीक है, अब एक्चुअली में होगा क्या ना, जब इसको फोर्स स्टॉप कर लेना तो इसका जो एप्लीकेशन है वो रीस्टार्ट हो जाता है, ओनली फॉर रीस्टार्ट होता है, और उससे जो प्रीवियस ऐप में जो भी यहाँ पे हैंगिंग का इशू आता है वो हैंगिंग का इशू नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर से कर लेनी है, और जो ऐप नहीं यूज पे है उसको आपको जरूर से हटा देनी है। और देखिए हैंगिंग से बचने के लिए सबसे बढ़िया आप यहाँ पे जा सकते हैं, ऐप में जा सकते हैं, कुछ यहाँ पे सिस्टम यूआई की ऐप्स मिलती है उनको आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप करते रहना है बार बार। ठीक है, कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट में अगर दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आपको नया अपडेट का वेट करना है, और अगर अगर फोन में दिक्कत आती है तो हो सकता है कि फोन में अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो फोन से जो है आप कई सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको सिस्टम सर्च कर देना और सिस्टम लॉन्चर को ओपन करना है। ठीक है, सिस्टम लॉन्चर को ओपन करने के बाद आपको सिंपल इसको भी फोर्स स्टॉप कर लेना है, कभी कभी होता है कि सिस्टम लॉन्चर में भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और अगर देखिए क्या होता है ना, मतलब ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर किसी भी ऐप में आपको हैंगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको ऐप को फोर्स स्टॉप करना है। ठीक है, आप जैसे फोर्स स्टॉप करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा फोर्स स्टॉप पूरी तरीके से हो चुका है, और चाहे तो आप डिवाइस को एक आध दो बार रीस्टार्ट कर सकते हैं तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और मे बी जितना हो सके आप डिवाइस में उसी चार्जर को यूज कीजिए, उसी एडाप्टर को यूज कीजिए, उसी यूएसबी केबल को यूज कीजिए जो आप पर्टिकुलर डिवाइस के साथ आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिला हुआ है। आप दूसरा डिवाइस को बिल्कुल भी यूज करने की कोशिश ना कीजिए। एक्चुअली में होगा कि अगर आप दूसरे डिवाइस के जो चार्जर को यूज करने की कोशिश करेंगे ना तो वहां पे आपका जो डिवाइस की बैटरी है वो उतना अच्छा जो बैटरी को यहां पे स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं टाइम लगा देगा स्टोर करने में, और स्टोर होगा भी तो बहुत जल्दी ड्रेन होगी। तो मे बी ये भी आप जरूर से देख लीजिएगा कि आपका जो चार्जर है वही यूज करें, और हीटिंग का भी इशू आ जाता है, बक्स वगैरह का भी इशू आ जाता है। बक्स वगैरह के लिए आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे कम्युनिटी ऐप में जाके। ठीक है, कम्युनिटी ऐप में चले जाना है, और कम्युनिटी ऐप में जाने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके जो है यहाँ से न्यू पोस्ट पे जाके जो है अपना आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। देख सकते हैं ये फीडबैक फॉर्म खुल गया, यहाँ से आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं अपने जो है यहाँ पे जो भी आपका टीम मेंबर है रियलमी का उनके पास यहाँ पे शेयर हो जाएगी, और वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी बग्स वगैरह अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट कर रहा है, बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहा है इन प्रोसेस को करने के बाद भी, तो मे बी आपको अब नए अपडेट तक का वेट कर लेना है, क्योंकि नए अपडेट में होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे अपडेट आ जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अब वो प्रॉब्लम डेफिनेटली बनी रहती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको न्यू अपडेट तक का वेट कर लेना है, हो सकता है कि जब भी नया अपडेट कभी फ्यूचर में आपको रोल आउट किया जाए तो वहां पे ये जो प्रॉब्लम ये जो सिचुएशन आ रही है वो शायद से ना हो, नए अपडेट तक का वेट कर रहा, और आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपने बग्स की जो भी है रिपोर्ट वगैरह जो यहाँ पे करते जरूर से रहना है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस की यहाँ पे बैटरी ड्रेन को लेकर हो गया, हीटिंग को हो गया, बग्स वगैरह हो गया, कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड थी। तो होपली इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ तो सॉल्यूशन डेफिनेटली मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।